हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, देखेंगे केक के ऊपर कैसे थ्रेड डिजाइन से केक खूबसूरत बनती है। वो जो धागे हैं, धागे से कैसे केक की डिजाइन बनती है। तो ये मैं आधे किलो केक की फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। फाइनल फिनिशिंग करके इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर कर ली। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करनी चाहिए इस डिज़ाइन के लिए। ये क्यों करनी चाहिए आधे घंटे के लिए स्टोर, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को पहले से लास्ट तक देखिए और मैं सब कुछ बताऊंगी। ये मैं 1 स्पून न्यूट्रल जेल लेके उसे थोड़ी सी पानी मिला के अच्छे से मिला ली और वो जो केक के ऊपर इसे डाल दी और पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से स्प्रेड कर ली केक के ऊपर। ये स्प्रेड करने से इसके ऊपर धागे वाली डिजाइन अच्छे से बनती है। और एक प्लेट में 1 स्पून न्यूट्रल जेल लेकर थोड़ी पिंक कलर डाली, जेल कलर 1 ड्रॉप, और एक साइड में 1 स्पून जेल लेकर ग्रीन कलर डाली। आप रेड वो जो जेल कलर ले सकते हैं, लिक्विड कलर भी ले सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। और उंगली की मदद से अच्छे से इसको मिला ली। अच्छे से मिलानी चाहिए और एक धागे को वो जो पिंक कलर है, पिंक कलर में अच्छे से डुबा ली। धागे में अच्छे से वो कलर जेल लगनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से पैटर्न नहीं बनती। आधे धागे को मैं पिंक कलर में ऐड की और मिला ली, और वो जो ग्रीन कलर है वही धागे की आधे पार्ट को ग्रीन कलर में अच्छे से डुबा ली। देखिए केक के ऊपर वो सांप की तरह दाएं बाएं करके डाल ली और अपनी ओर धीरे से धागे को खींच ली। देखिए कितनी खूबसूरत सी पैटर्न बनकर रेडी हो गई। फिर से वही वाली प्रोसेस से और एक बना ली, धीरे से धागे को अपनी ओर खींच ली। वही जो जेल है, वही जेल में जितनी बार आप पैटर्न बनाओगे उतनी बार डुबाओगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर लगा के फिर से धीरे से खींच ली, देखिए। और वो जो छोटी वाली स्टार नोजल है उसमें क्रीम भरकर वो जो साइड की बॉर्डर कवर की, बॉर्डर दे देने से केक बहुत सुंदर दिखती है। साइड की बॉर्डर कवर कर ली छोटी वाली स्टार नोजल से करने से ये बहुत सुंदर दिखती है। आधे घंटा वो जो केक को आइसिंग के बाद स्टोर करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो आइसिंग अच्छे से सेट होनी चाहिए, नहीं तो वो धागा लगने से वो क्रीम धागे के साथ साथ निकल आएगी, इसलिए बोल रही थी आधे घंटे फ्रिज में स्टोर कीजिए। ये फिर ऊपर की बॉर्डर अच्छे से बना ली। फिर वो जो क्रीम कलर वाली जेल, न्यूट्रल जेल बची हुई थी प्लेट में, उसको लेकर उंगलियों से साइड साइड में छिड़क ली। पिंक वाली पहले छिड़क ली, फिर वो ग्रीन वाली छिड़क ली साइड साइड में, तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए ऐसे ऐसे करके छिड़क ली। वो जो छोटी छोटी व्हाइट स्प्रिंकल है
वो छोटी स्प्रिंकल को केक के ऊपर ऊपर थोड़ी सी डाल ली, व्हाइट वाली स्प्रिंकल है ये है व्हाइट स्प्रिंकल, और फिर वो जो बटर बनाए थे उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी डाल दी तो ये अच्छा लगेगा। आप ये थ्रेड डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है और सुंदर भी दिखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।